नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भारत देश को फिर से एक नई ट्रेन की सौगात मिली है, रैपिड ट्रैक। दोस्तों आज इस ट्रेन का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है और कल से यह ट्रेन पब्लिक के लिए चलाई जाएगी। तो दोस्तों क्या कुछ है आप सबको पूरी डिटेल्स में आप सबको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चलिए पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। आज है 20 अक्टूबर और आज के ही दिन भारत को एक नई ट्रेन की सौगात के रूप में रैपिड रेक्स ट्रेन और इसका जो नाम है, इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है, नमो भारत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:15 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और RRTC कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से का उद्घाटन आज कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ट्रेन 21 अक्टूबर से पब्लिक के लिए चलाई जाएगी। तो दोस्तों आज सिर्फ उद्घाटन हुआ है और कल से यह पब्लिक के लिए चालू हो जाएगी। आइए जानते हैं इस नमो ट्रेन के बारे में कि आखिर यह ट्रेन कितना स्पीड में चलेगा, इसमें सफर करने के लिए आप सबको कितना पैसा देना पड़ेगा और अभी कहां पर शुरू हुई है, किस किस स्टेशन पर यह रुकेगी, सारा जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल दोस्तों, नमो जो ट्रेन है वह कहां से कहां तक चलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 32 किलोमीटर लंबा है। यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर से गुजरते हुए 1 घंटा से कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। दोस्तों अभी जो उद्घाटन हुआ है, मात्र यह रैपिड ट्रेन जो है वह मात्र 17 किलोमीटर ही सफर करेगा। कल से इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी और डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इस ट्रेन के लिए कहां कहां पर स्टेशन बनाए गए हैं, आइए उसे जानते हैं। पहले चरण में कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन होगा। आइए जानते हैं इस ट्रेन में क्या क्या सुविधा मिलेगी। रैपिड रेक्स मेट्रो की तरह पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए एगोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई है। 2x2 ट्रांसवर्स सीट, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, लगेज रैंक, CCTV कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, एनेमिक रूट मैप जैसी कई सुविधा आप सबको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी। इस ट्रेन का जो स्पीड है दोस्तों वह 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस ट्रेन में किराया आप सबको कितना रहेगा। दोस्तों शुरुआती तौर पर आप लोग बता दें कि 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक आप सबको इस ट्रेन में किराया लगेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस महज 12 मिनट में यह कवर करेगी। इस ट्रेन में आप सबको 6 डब्बे देखने को मिलेंगे और इस 6 डब्बे में लगभग 1700 यात्री सफर कर पाएंगे, जिसमें खड़ा होकर भी यात्री जा सकते हैं और बैठकर भी यात्री सफर कर सकते हैं। स्टेशन पर प्रत्येक 15 मिनट में आप सबको एक रैपिड ट्रेन यानी कि नमो ट्रेन देखने को मिलेगा। यह ट्रेन आप सबको सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक सेवा देगी। तो दोस्तों मुझे अभी यही अपडेट मिला था, बाकी इस ट्रेन से जुड़ी आप सबको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कि आपको यह देखकर कितना खुशी हुआ, क्योंकि दोस्तों लगातार नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत में एक अलग अलग अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी ट्रेन चल रहा था, लेकिन अब जो है वह नमो ट्रेन का ट्रेन चलेगा, क्योंकि इसका स्पीड काफी तेज है और यह मेट्रो के ही जैसा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर कि आप सबको देखकर यह कैसा लगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।